वहीं रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता गोपी कृष्ण हत्याकांड मामले में शामिल अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस टीम और अपराधियों के बीच हुई गोलीबारी में अपराधी रोशन पुलिस की गोली से घायल हो गया है। घायल अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उधर मुठभेड़ से गांव के लोग सदमे में हैं। जवाबी फायरिंग में रांची पुलिस ने इनकाउंटर कर एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है और वही दूसरा अपराधी फरार हो गया है। एक अपराधी इनकाउंटर के वक्त पैर में गोली लगने से बुरी तरह से जख्मी है, जिसे अस्पताल ले जाया गया है पुलिस के द्वारा। यह वही घटनास्थल है जहां आधी रात को इनकाउंटर किया गया था। पुलिस को सुराग मिली थी, पुलिस ने उस सुराग पर इस घर की घेराबंदी की और अपराधी इसी घर के अंदर छिपा हुआ था। पुलिस ने अपराधी को पहले आवाज दी, सरेंडर नहीं करने पर पुलिस ने गोली चला दी, जिससे अपराधी बुरी तरह से घायल हो गया। हम यहां के ग्रामीणों से जानने की कोशिश करेंगे आखिर रात में हुआ क्या था। सीधा सीधे जवाब, रात में जैसे हम जैसे खाना उना खाएं, उसके बाद मेरा लड़का लोग खाना उना खाया और वो जो लड़का जो था सो 6:30 बजे आया था। रोशन मुंडा। तो अब वो तो जाने में माने हम लोग को, हम भतीजा है, तब उसको तो 6:30 बजे आया तो वो तो जाएगा कहाँ। तो हम बोले कि इसको भी खाना उना खिला दो और सोला दो। खाना उना खा करके सोला दिया। अब मेरा दो लड़का था, एक लड़का इसमें सोता है, एक लड़का उसमें सोता है। अब उसके बाद में जस्ट 15 मिनट के बाद में, खाना खाने के बाद में 15 मिनट के बाद में अचानक जो है सो दो बार आवाज हुआ फायरिंग का आवाज़ हुआ। तैसे हम घर में सोते हैं, घर से हम दौड़ के निकले, देख रहे हैं तो एकदम यहाँ पुलिस एकदम पूरा घेराबंदी करके रखा है। जो जितना जो खून जो बाहर से दिख रहा है ना बरंडा में, वो पुलिस आने के बाद ही लगा है, तो अंदर में था सब खून जितना भी था खून। तो रोशन मुंडा को गोली लगी थी? अब गोली तो लगा है तभी ना उतना खून बहा है। गोली लगा होगा तभी, हम लोग को देखने भी तो नहीं दिया उसको, कहाँ मारा नहीं मारा सो। रोशन के द्वारा चला ही नहीं गया गोली। तो भागने की कोशिश की जाए? नहीं, भागने को ये झूठा बात है। दोनों उसका दो एक बाबू है, अभी वो नहीं है, तो उनसे थोड़ा सा बात करवा देते अभी मुंडिया के सामने। लेकिन वो नहीं थे, वो तो जो बड़े लड़का थे उनको उधर ले गया था, है ना, और छोटे तो था रूम में, है ना, उनसे तो पूछना हो तो पूछ लीजिए। और सर, संदीप जो है कि निर्दोष है, वो अनजान में उसको शरण दिया, वो पढ़े लिखे लड़का है। अगर वैसा जानता तो आज के डेट में वैसे अपराधी तत्वों का सोने के जगह कोई भी जानबूझ के जहर नहीं खाता। रांची पुलिस ने